सभी लोगों का नॉट गिव अप न्यूट एकदम ब्रांडी वीडियो के अंदर हमें का हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पर माइक आ गया है, यहाँ पर व्हील आ गया है, तो मैं ऐसे कहाँ पर करूँ तो मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। बट यस, आज हम लोग जाने वाले वापस फोर्ज़ा होराइज़न के अंदर और लेने वाले हैं एक ऐसी कार जिस कार के बारे में मैंने इतना सुना कि मैं तो भाई मेरे को हो गया कि ये तो लेनी पड़ेगी। बॉस तुम लोग जब इतना बोल रहे हो तो चलो चलते हैं फटाफट से गेम के अंदर। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो भाई, 50K लाइक का गोल है तो जल्दी से जाओ लाइक वाला बटन दबाओ। जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब करो अगर तुम लोगों को ऐसी और वीडियोज देखनी है। और चलो चलते हैं भाई जल्दी से, व्हील का थोड़ा यूज करे, आ जाओ यार। गाइस हम लोग आ चुके हैं फोर्ज़ा होराइज़न 5 के अंदर और अभी मेरे पास जो गाड़ी दिख रही है इसकी भी कहानी बताऊंगा कि मैं BMW में क्यों घूम रहा हूँ सही बताओ तो। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद होगा भाई क्या गाड़ी है, नहीं अगर तुम लोगों को याद होगा तो भाई हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में अपनी जो निसान GTR थी वो अपग्रेड करी थी भाई, उसको पूरा मॉडिफाई कर दिया था, एकदम नेक्स्ट लेवल बना दी थी। बट अभी मैं ये BMW M8 क्यों चला रहा हूँ वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और आज हम लोग कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं भाई, वो है सुप्रा। बिल्कुल सही भाई, आज हम लोग लेने वाले टोयोटा सुप्रा, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े भाई हर किसी को सुप्रा देखनी थी। अब सबको पता है कि भाई बेसिकली मेरे पास, रुको जरा मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ बोल के क्या फायदा होगा, राइट। तो बेसिकली मेरे पास मेरी कार्स में, मेरे पास 28 कार्स पड़ी बाय द वे, बट उसमें से मेरे पास यार टोयोटा सुप्रा पड़ी हुई थी, ठीक है। अभी तुम लोग देखोगे तो देखो N निशान के बाद T है ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ये कदा भाई के पास निशान GTR आ गई, यहाँ पर मेरे पास देखो ये देखो फॉर्मूला ड्रिफ्ट में मेरे पास ये टोयोटा सुप्रा MK4 पड़ी हुई है 1995 वाली, और उसके बाद मेरे पास एक और टोयोटा सुप्रा पड़ी हुई है 2020 वाली। तो तुम्हारे भाई ने बोला भाई मेरे पास जब पड़ी हुई है तो मैं गधा थोड़ी ना हूं, तो मुझे क्यों चाहिए? मैंने अपनी गलती से सुप्रा डिलीट कर दी, जो मेरे पास स्टॉक सुप्रा एकदम जिसमें कुछ अपग्रेडेड नहीं था, खाली एक थोड़ा स्पॉइलर तो बनता है यार थोड़ा ऊंचा सा, तो वो मैंने अपग्रेड कर रखा था। मैंने बेवकूफों की तरह वो एक्चुअल में बेची भी नहीं भाई, वो उन्होंने गिफ्ट कर दी किसी रैंडम बंदे को, लाइक गेम के ही अंदर किसी को चली गई वो सुप्रा मेरी। बट मैं चाहता था कि लाइक किसी को मिले, मेरे पास पड़ी भी इतनी गाड़ी होगा क्या करूंगा, चलो यार कोई खुश हो जाएगा, क्या पता रैंडम नया प्लेयर आएगा तो, और यहां पर कुछ और ही हो गया। भाई मेरे पास अब स्टॉक सुप्रा पड़ी ही नहीं है, ये वाली जो है तुम देख रहे हो ये भाई 1995 वाली, इसको मैं छेड़ने भी नहीं वाला हूं, ये प्रॉपर ड्रिफ्ट के लिए बनी हुई है। तुम सब रुको तुम्हें गेम के अंदर आता हूं ये, ठीक है। हम लोग इस कार के अंदर चलते हैं। ओके चलो डिलीवर दिस कार टू मी। भाई मेरे को फोर्ज़ा होराइज़न की यही बात चलती है, कितनी जल्दी हो गया देखा तुम लोगों ने। रुको तुम लोगों को दिखाता हूं, ये वाला माउस से करना पड़ेगा, बढ़िया देख रहे हो नेज़ो का चैन। रुको तुम लोगों को थोड़ा सा बैक गियर डालते हैं, रिवर्स डालते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं फिर दिखाते हैं। बस यहां पर तुम लोगों को दिखाता हूं, ये देख रहे हो कितनी ज्यादा मस्त नहीं लग रही है, देखो भाई यार ये मैं नाम भूल गया, बट ये तो नेज़ुको है, ये यार पॉइजन हाशिरा क्या नाम था, भूल गया मैं, ठीक है सॉरी यार मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ तो मैं भूल गया। बट ये देखो और सबसे बढ़िया चीज़ सुप्रा की, सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, बट ओ भाई मुझे नहीं पता था इस सुप्रा में आगे से फ्लेम निकलती है भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई सुप्रा हो गया इसमें फ्लेम्स नहीं निकल रही है ये। ओके तो बेसिकली मेरे पास ये पड़ी हुई थी MK1 जो तुम लोगों को, मतलब MK4 जो तुम लोगों को पता ही है भाई कितनी मस्त होती है गाड़ी, तो ये है भाई। लेकिन ये ना प्रॉपर ड्रिफ्टिंग के लिए, समझ रहे हो कि तुम्हें ड्रिफ्ट मारनी है ये सब करना है, तो ये उन सब चीजों के लिए थी, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा यार कि फिर इसको खराब करके तो बिल्कुल फायदा नहीं है, समझ लो लाइक रुको जरा इसको एक काम करते हैं, हम लोग सुप्रा को ना वापस वहीं पे ले जाते हैं जहाँ पर हम लोग थे अभी, ठीक है, क्योंकि वो ना परफेक्ट जगह लगती है मेरे को गाड़ी दिखाने के लिए, ठीक है इसीलिए बस, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारी टोयोटा सुप्रा जो कि MK4 है 1995 वाला वर्जन, जिसमें हम लोगों ने यार तो ये लगा रखी है, तो मेरे को इसको छेड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मजाक नहीं करूंगा भाई, इस कार को मेरे को बिल्कुल हाथ लगाने का मन नहीं है। और जैसे कि तुम लोग जानते हो यार, अगर तुम लोगों को भी कार्स बहुत ज्यादा पसंद होंगी तो अगर कोई ट्यून्ड कार तुम्हें देता है तो फिर उसको ज्यादा छेड़ने का मतलब नहीं होता, समझ रहे हो ना भाई। ये बहुत ज्यादा मुश्किल से ली थी मैंने, मुश्किल से क्या मतलब बेसिकली ये पैसे से ले रखी, बहुत महंगी पड़ी थी मेरे को, मैंने गलती से ले ली थी, फिर उसके बाद मेरे को दिखा कि जब है तो है भाई, बढ़िया हो गया। ये हमारी टोयोटा सुप्रा 2020, ये भी लेकिन ड्रिफ्ट असिस्टेड है, और इसमें तो देखो मैं तुम लोगों को दिखा था, न्यूट्रल है ना अपनी गाड़ी, हाँ पता चला आगे को भाग के फिर। ओके ये देखो, अरे इसमें भी आगे का सिस्टम है क्या,
हाँ ये देखो इसमें भी सुपरा, ये वाली सुपरा में भी आगे का सिस्टम है, देख रहे हो एग्जॉस्ट आगे से निकाल रहा है, जो कि मेरे को सच्ची बताओ तो इतना ज़्यादा कूल नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। सोचो अगर कोई पैसेंजर सीट पे तुम्हारे साथ बैठा होगा और उसको पटापट दिख रहा होगा तो क्या मजा आएगा। बट भाई अरे यार भाई, जितनी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी होती जाती है ना, उतना ही ज़्यादा उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो थोड़ा सा इधर से लेते हैं, चलते हैं इसको। भाई यार मैं मजाक नहीं करूंगा यार, मतलब मजाक से हटके, बट सुपरा चलाने का ना अपना ही मजा है भाई। भाई प्रॉपर ड्रिफ्ट मशीन होती है और वो भी मेन मशीन, हल्की फुल्की भी नहीं भाई। तो ये चीज मेरे को हिट करी कि मेरे पास यार एक भी स्टॉक सुपरा है ही नहीं। मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी मर्जी की सुपरा बनाऊं तो वो चीज मैं अभी जाके कर ही नहीं सकता, तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो चलो फिर से चलते हैं वापस से अपने होराइजन फेस्टिवल की तरफ को। तो ये देखो हम लोग आ चुके हैं वापस जहाँ पर हम लोग। हेलो सर, ओ एक और सुपरा। भाई मैं बता रहा हूँ भाई, इस गेम के अंदर सुपरा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो, ये भी हमारी बहुत प्यारी सुपरा, ये भी एनीमे से रिलेटेड आई गेस, मेरे को पता नहीं ये कौन सा एनीमे है, बट यस ये बहुत ज़्यादा डिकेल्स है इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो ये सुपरा जो है ना, इसको भी मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये पेंट बेसिकली हमें दोबारा मिलेगा भी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि ये भी पूरी की पूरी ड्रिफ्ट फिट है, इसमें पूरे के पूरे ड्रिफ्टिंग वाले सिस्टम लगे हुए, तो मेरे को इसको बिल्कुल छेड़ने का मन नहीं है। तो भाई मैंने सोचा सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि मैं खुद की एक सुपरा लूँ, स्टॉक सुपरा एकदम, ठीक है समझ लो, बेस सुपरा लूँ और उसको धीरे धीरे करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाऊँ। तुम लोग बताना तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि मेरे को तो यार वही चीज़ है ना, जब अपनी चीज़ होती है फिर तुम उसमें धीरे धीरे चीज़ें सही करते हो, मज़ा आता है राइट। और बाकी ये देखो, अभी मेरा सारा जो पैसा है वो किस में गया है रिसेंटली, ये बीमर, ठीक है, जो कि है हमारी ये BMW M8 कॉम्पिटिशन कूपे। भाई ये बहुत ज़्यादा मस्त गाड़ी, मैं तुम्हें मजाक नहीं करूँगा, ये भी प्रॉपर ऐसा ड्रिफ्टिंग के लिए भी यूज हो सकती है, ये रेस कार की तरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वो तो हमारी मर्जी है खैर। बट ये बहुत ज़्यादा कूल है, इसमें अभी मैंने ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड नहीं करी हुई है, खाली एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे कि स्पॉइलर हो गया, छोटी छोटी चीज़ें जो हो गई वो हो गई, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, मजाक नहीं करूँगा। मेरे को लाइक लिटरली सीधी सी बात है यार कि लाइक अगर मेरे को बोलोगे ना कि कोई गाड़ी अगर तुम्हें खरीदनी हो तो वो कौन सी होगी, भाई तुम लोगों को पता है ऑलरेडी कि मेरी ड्रीम कार कौन सी है राइट। मेरी ड्रीम कार है निसान GT-R, बट वो इंडिया में तुम लोगों को पता है भाई ऑलरेडी 2.5 करोड़ की गाड़ी है, जो कि मैं अभी तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, और पता नहीं फ्यूचर में भी क्या 4-5 साल 10 साल के बाद अफोर्ड कर पाऊंगा, तो वो वाली चीज़ तो है नहीं। बट मेरा मन बहुत ज़्यादा है कि भाई कोई BMW ली जाए, M5 M4 ऐसी कुछ, और मस्त बनाया जाए उसको। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें आइडिया कैसा लगा, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में भाई लोगों को, बस यार कैसे बताऊँ, मतलब मैंने देखा हुआ है भाई, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, बट ज़्यादातर लोग यार मस्टैंग ये सब चीज़ें चलाते, लाइक बहुत कूल गाड़ी है मस्टैंग भी, बहुत ज़्यादा मस्त है। बट तुम देखोगे ना लोगों के पास सुपरा GT-R ये सब चीज़ें बहुत कम दिखती है, लाइक कैसे बताऊँ, क्योंकि मस्टैंग बेसिकली एक बेस गाड़ी हो गई जो हर किसी को एंट्री दिलाती है, लेकिन M4 हो गया, M3 हो गई, और उसके बाद फिर ये अपनी सुपरा GT-R सुपरा तो खैर बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में आ जाती है, सुपरा नहीं, सुपरा तो फिर भी सस्ती आती है, बट GT-R तो सीधे 2.5 करोड़ जाती है भाई, उतने में बंदा G-Wagon ये सब चीज़ें मिले, यार GT-R और G-Wagon का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बट यस, इसी के साथ मैं तुम लोगों को अपनी GT-R भी दिखाता हूँ, जो भाई सीधी सी बात है मेरे चैनल पे तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट बन चुकी थी भाई, लास्ट टाइम लोगों को ये देखनी थी, लाइक भाई तुम लोगों का जो रिस्पॉन्स आया ना GT-R वीडियोस पे, भाई वो मज़ा ही आ गया। एंड बिलीव मी भाई, ये मेरी ड्रीम कार है, तो मेरे को इतना ज़्यादा खुशी हुई है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो मैंने कहा यार अगर तुम लोगों को मेरी ड्रीम कार में इतना ज़्यादा अच्छा लगा, तो यार तुम में से बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार है सुपरा, तो क्यों ना सुपरा को लेके भी कुछ किया जाए। तो यस, ये देखो, ये है हमारी निसान GT-R निज़्मो, आई थिंक लाइक R35 तो है ही, बट 2018 का मॉडल है राइट, ये रुको जरा चेक कर लेते एक बारी, खाली मैं गलत सलत ना बताऊँ ना तुम लोगों को, भाई परफेक्ट बताना चाहिए, 2017 का मॉडल है, माई बैड, ठीक है। तो ये है तो R35 ही, बट ये 2017 का मॉडल है। तो ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा कूल लगी, और भाई ये तो प्रॉपर है भाई ये गाड़ी, तो तुम समझ रहे हो, ये किसी ने देखा और ये भी नहीं देखा और ये तो बिल्कुल ही नहीं देखा भाई, कितनी ज्यादा प्यारी लगती है भाई, जो पीछे थोड़ी बहुत ठुक गई है उसको छोड़ के भाई। और इसमें 4 से ज्यादा गियर नहीं है भाई, देखिए जिसको पता नहीं है, ठीक है, इसमें 4 से ज्यादा गियर नहीं है, बट ये 300 से लाइक 350 पार करती है, ठीक है, चाहे इसमें 4 से ज्यादा गियर ना हो, ये 350 किलोमीटर। हाय 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 हाय, शॉट्स फायर्ड भाई, भाई यार गाड़ी है कि नहीं है भाई, झूठ बोलना भाई, तुम्हारे भाई ने गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत
और बहुत ही ज्यादा मतलब चलने की भी फास्ट बनाई है या नहीं बनाई है? तुम लोग बताओ, तुम लोग भाई पे प्राउड हो या नहीं हो भाई? ये क्या गाड़ी लगने की और सब कुछ क्या मस्त है भाई। मैं मजाक भी नहीं करूंगा भाई, 305 ठीक है, हम लोग अभी बहुत ज्यादा दूर है, हम लोग को 351 पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। एंड बिलीव मी भाई, ये तुम लोगों को आई होप दिख रहा हो पीछे, रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई कि मैं कैमरा रिकॉर्ड भी कर रहा नहीं कर रहा है, तुम लोगों को व्हील दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, बढ़िया भाई। मैं मजाक नहीं करूंगा, ये चीज़ में खेलना ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हो। मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा, वो भी निसान GT-R, तुम्हें कहते से अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ। तो यस, तो भाई यही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग अपनी GT-R को लेके जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने भाई एग्जॉस्ट, भाई यार मेरा मत चले ना भाई, मैं दिन भर यही देखता रहूं। बट अब हम लोगों को खरीदनी है भाई तुम लोगों की ड्रीम कार, जो की होगी द वन एंड ओनली टोयोटा सुपरा भाई। चलो चलते हैं फटाफट से बाय न्यू कार्स में, हम लोग जाके फटाफट से टोयोटा सुपरा खरीद लेते हैं। हम लोग जाएंगे टोयोटा में, टोयोटा देयर वी गो। तो हम लोगों की टोयोटा सुपरा ये रही एक, और कोई पुराने वर्जन की तो सुपरा RZ पड़ी हुई है, बट RZ मेरे को उतनी कूल नहीं लग रही है। लाइक मेरे पास ऑलरेडी पड़ी भी RZ है, नहीं RZ नहीं पड़ी है मेरे पास, ओके। और यहाँ पे वेलकम पैक है, ये तो खैर खरीदने वाली बात होगी, पैसे दो वो दो, पैसे है ही नहीं। तुम लोग यार लाइक वाइक कर नहीं रहो, शेयर वेयर कर नहीं रहो, कर जाए तो ऐसा ठीक है। तो हम लोग यार बेस वाले लेंगे, 2020 वाली सुपरा जो हम लोगों ने गलती से भाई गिफ्ट कर दी किसी रैंडम बंदे को, तो वो हम लोग लेंगे। देखते हैं, लेट्स सी इसका प्राइस कितना आ रहा है। ठीक है, अपने पास पड़े हुए 33,000 क्रेडिट्स, और यही कर दो अभी के लिए, कलर क्या ही करना है, ये ले भाई ये वाला। पैसे बताओ, पैसे कितने लगेंगे भाई एक टोयोटा सुपर? गाइस करेक्ट, 55,000 मेरे पास पड़े हैं, 33,000। हम लोग पूरा 22,000 क्रेडिट्स पीछे। अबे एक्सबॉक्स का ऐड थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं यहाँ, हाँ यार पूरी गाड़ी पे एक्सबॉक्स लिख दिया भाई इन लोगों ने भाई। हम लोग के पास 22,000 रुपये कम पड़ रहे सुपरा के लिए, और भाई उसके बाद हम लोग सुपरा को मॉडिफाई कब करेंगे अगर हम लोग सुपरा ले भी लेंगे? भाई कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है यार, हम लोग को 22,000 रुपये चाहिए राइट, तो हम लोग को थोड़ी बहुत रेसिस करनी पड़ेगी, नहीं तो एक काम करते हैं, रुको जरा। कार्स, कार मास्टरी है, कार मास्टरी में हम लोगों की और खुली है क्या चीज़ें? आई गेस नहीं राइट, हम लोगों के पास 10 पड़ा हुआ है, और 10 तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते राइट, 10 में आई डोंट थिंक सो अपने पास कुछ भी। ओ अवेलेबल पॉइंट अपने पास खाली 7 ही पड़े हुए, तो कार मास्टरी क्यों खुल रहा है भाई? अभी हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है भाई अदर देन रेसेस के हम लोग पैसे कमा पाए, तो चलो करते हैं फटाफट से रेस भाई। देखते हैं मैप में अगर हम लोगों को अच्छी सी रेस मिल जाए जिसमें जाके हम लोग 22,000 रुपये कमाए और अपनी पहली टोयोटा सुपरा खरीद पाए भाई। मैं तुम लोगों के लिए उस कार को इतना बढ़िया रेस फिट बनाऊंगा ना भाई, वो ऐसी गाड़ी होगी ना, वन ऑफ आर बेस्ट कार होगी, बता रहा हूं मैं अभी से। गाइस मेरे को एक रेस मिल चुकी है, मैं रेस के लिए जगह लगा रहा हूं। हम लोग चलते हैं अपनी सुपरा में, सुपरा कह रहा हूं यार, हम लोग चलते हैं फटाफट से अपनी GT-R भाई। ये फिर से नहीं, नहीं ये तो शायद से मेरे ख्याल से वो खड़ी थी ना पीछे तुम्हारा, हम लोग अराउंड मारना नहीं ना, चलो फटाफट चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी निकलते हैं सीधे रेस के लिए। 2.8 किलोमीटर है, और भाई हेलो अपनी GT-R कैसे भागते लगते हैं इनको पता नहीं, 2.8 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है भाई। अरे डरा दिया भाई, मेरे को लगा NPC ना हो, क्योंकि NPC से तुम टकरा सकते हो राइट। थोड़ा आराम से चलाते हैं, यहाँ पे मोड़ आते हैं बहुत खतरनाक यार, थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा भाई। क्या भागती है यार, और उसके ऊपर से फिर ये पॉप्स भाई, भाई दिल ले जाते हैं यार कसम से भाई, मैं बता रहा हूँ भाई ये लिटरली ऑलमोस्ट मेरे लिए कैसा है पता है कि मैं अपनी लाइक मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए ऐसा है कि मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ, नॉट इवन गोना लाइव, मेरे लिए ऐसा है कि मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ सच्ची में भाई। एंड आई होप तुम लोगों को भी मेरे को गाड़ी चलाते हुए देखने में मज़ा आता हो भाई, ऐसा ना हो कि तुम लोग बोर हो रहे हो, क्योंकि फिर तुम लोग मेरे को अच्छा नहीं लगेगा भाई कि तुम लोग अगर बोर हो रहे हो। लेट्स गो गाइस, एमरल्ड सर्किट में जाएंगे और जाके करते हैं भाई रेस, ट्राई करते हैं 22,000 रुपये ला के अपनी पहली टोयोटा सुपरा खरीदने की। बट अभी के लिए तो यस हमारी वो का है, ओके ये रिकमेंडेड में नहीं है भाई, ये थोड़ी डेंजरस चीज़ है, इसका मतलब कि हो सकता है वो रेस बहुत ज़्यादा टफ हो फॉर अ GT-R ठीक है, या फिर वहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक गाड़ी आएंगी। बट हम लोगों ने अपनी GT-R को एकदम मस्त नेक्स्ट लेवल बनाया हुआ है, तो आई होप ये काम करे ठीक है, ये अच्छे से काम करना चाहिए। एंड आई होप तुम लोग का आवाज़ भी अच्छे से आ रही है, थोड़ा माइक ना इसमें दूर रख, लाइक माइनक्राफ्ट में तो झुक के खेलता हूँ ना, बट इसमें यार एकदम चिल होकर खेलना पड़ता है ना थोड़ा। अरे भाई लोग पोर्शे वर्शे लेके आए हुए हैं, आओ इनको दिखाते हैं भाई, पोर्शे वर्शे लेके आए हुए ना इनको मैं बताता हूँ भाई, आओ तुम लोग यार GT-R के सामने भाई पोर्शे वर्शे लेके आ रहे हो, चला मैं फर्स्ट गियर में, लेट्स गो, इनको दिखाता हूँ भाई GT-R पावर क्या होती है भाई। बेटे पोर्शे पीछे हट जा, लैम्बोर्गिनी को करता हूँ,
देख के अंशु सही से चला, सही से चला दोस्त मेरे। भाई गाड़ी को ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई थोड़ा देख के चला। भाई मैं बहुत टाइम बात कर रहा हूँ लाइक ड्राइविंग प्रॉपर रेस, क्योंकि मैं वरना भाई अगर मैंने ऑफलाइन खेला होता तो मेरे पास ऑलरेडी कितने सारे पैसे होते भाई। अरे न्यूट्रल क्यों गई भाई, मैंने सेकंड गियर डाला था यार, मैं पीछे छूट गया भाई। गाइस मैं पीछे छूट गया, मेरी गलती है यार, मेरी गलती है, मैंने गलती से न्यूट्रल डाल दी गाड़ी भाई, रुकी मिस्टेक हो गई है रेस में। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, पैचअप कर लेंगे गाइस, होगा होगा। कितने लैप्स हैं? एक आउट ऑफ 3। देख के चला चल खड़ो गए भाई। भाई हम लोग ना बहुत रूकी मिस्टेक्स कर रहे हैं गाइस। भाई ये बहुत ज़्यादा ड्राई रेस है फॉर अ GTR, मैं बता रहा हूँ यार। GTR को थोड़ा सा ना कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि सीधी सी बात है ये यार ड्रिफ्टिंग के लिए ज़्यादा बनी होती है। लाइक वैसे कायदे से देखा जाए तो GTR ऑल व्हील ड्राइव है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि ड्रिफ्टिंग के लिए बनाई हुई है, बट यार नहीं ऑफ ट्रैक में जा ब्रो प्लीज। GTR आई लव यू यार प्लीज। यस थैंक यू दोस्त। चल भाई लेट्स गो, कम ऑन ब्रो लेट्स डू दिस। चल मेरी GTR, हम जीतेंगे आज। यार अगर ये ड्रिफ्ट में कंटिन्यू कर पाता ना, ये बहुत क्रेजी ड्रिफ्ट होने वाली थी यार। अपने आगे सिर्फ वो पोर्शे है गाइस जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। भाई लास्ट लैप है गाइस, हम लोगों को इससे कैसे ही फर्स्ट आना पड़ेगा, वरना हम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे गाइस। मेरे को चाहिए यार, काश हम लोग फर्स्ट रेस से ही इतने पैसे कमा ले कि हम लोग अपनी टोयोटा सीप्रा ला पाए। नहीं लैम्बोर्गिनी वाला निकल के आगे। एक मिनट, है कौन सी भाई, ये गलाडो है या फिर ईवर? आई थिंक ये हुरिकेन ईवर राइट, मेरे को कंफर्म नहीं पता गाइस। अगर तुम लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मेरे को तो मजा ही आता है भाई जब तुम लोग नई नई चीजें सिखाते हो। नहीं गलती से भी नहीं ब्रो, लास्ट रेस है, लास्ट लैप है, ढंग से चला ले भाई प्लीज। भाई मेरा दिल जो है ना वो मुंह में आ रहा है भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा डर लग रहा है मेरे को भाई। मैं अपनी एक गलती से ना ये पूरी रेस हार सकता हूँ। नहीं भाई पूरी घिस दी GTR, लेकिन जीता कौन तुम्हारा भाई। पूरी घिस दी GTR मैंने, लेकिन जीता कौन तुम्हारा भाई, जीता है भाई। लेट्स गो यार, चलो लेट्स गो भाई, निसान GTR 2017 लेट्स गो। जीत गए गाइस, जीत गए। चलो लेट्स होप कि हम लोगों को पैसे भी उसी हिसाब के मिले, ऐसा ना हो कि ये लोग बोले भाई ये तो तुम्हारी पहली रेस थी, फ्री की रेस भाई प्लीज। हे मी अमिगो, हे मी अमिगो, 44,000। अबे यार हम लोगों को एक और रेस करनी पड़ेगी गाइस। करेक्ट 11,000 मिले, तो इसका मतलब अगली रेस भी अगर हम लोग जीतते हैं तो हमें 11,000 मिलेंगे, और तब जाके हम लोग अपनी सुपरा ले पाएंगे। यार ये बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी नहीं है तुम लोगों की भाई। ओके एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। बट एक चीज़ भाई, एक चीज़ मेरे को ना सच्ची बताऊँ तो इसकी जगह ना अभी के लिए थोड़ी देर रास्ते तक का भाई मैं बोलता हूँ हम लोग अपनी ये चलाते हैं M8। मेरे को सच्ची बताओ, मेरे को ना BMW M8 बहुत ज़्यादा मस्त कार लगी, एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक थोड़ा सा ना यार देख रहे दिखने की कितनी ज़्यादा कूल है भाई। पर इसमें थोड़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है भाई, खास करके एग्जॉस्ट में भाई, समझ रहे हो ना, आवाज आनी चाहिए, पॉप्स आने चाहिए भाई, ऐसे मजा थोड़ी ना आता है। और कम हो रहा है कहने को भाई, इसमें शायद से क्या है 7 गियर सस्पेंशन तो है ही एटलीस्ट राइट भाई। अगर हम लोग अभी GTR में होते ना, ये 350 भागती होती है अभी तक, ये GTR से बहुत ज़्यादा स्लो है हमारी। मजाक से हट के भाई, हमारी GTR बहुत ज़्यादा फास्ट है। चलो भाई जल्दी से निकलते, सीधे पहुँचते रेस की तरफ को भाई, लेंगे आज तो सुपरा लेके रहेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, आज घर पे सुपरा आ रही है भाई। चलो भाई पंडित जी से पूजा करवाएंगे आज सुपरा की, तुम देखो बस। ओ एक मिनट, ये तो प्रॉपर वैसी कार है ना, हम लोग इसको पैडल शिफ्टर से चलाएंगे भाई। चलो गाइस 1 किलोमीटर बचती है अपनी जगह बस, लेट्स गो। पहुंच गए गाइस, पहुंच गए हम लोग, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। है तो बढ़िया यार, ये भी बढ़िया है गाड़ी, M8 भी बहुत मस्त है,
बट इसमें काफी सारे अपग्रेड्स मांग रही है, मैं वो मना नहीं करूंगा, ये गाड़ी अपग्रेड्स तो बहुत सारे मांग रही है। लाइक ये अभी के लिए ना लाइक दिखने की भी बहुत ज्यादा कूल है, देख रहे हो तुम लोग गाड़ी, ओ भाई साहब, भाई ये दिखने की बहुत ज्यादा कूल है, बट हाँ ये अपग्रेड्स तो मांग रही है भाई, इसको हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा फॉर रेसिंग इवेंट्स। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं बस रेस की जगह पे, और मैंने रेस चेंज कर दी है, वो वाली नहीं, हम लोग दूसरी रेस पे जा रहे हैं, मेरे को इसका नाम नहीं पता है बेसिकली, ये भी कोई तो सर्किट पे रेस है, तो हम लोग यहीं पे चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे चले जाते हैं आराम से। लाइक ये थोड़ा पास तो नहीं, वैसे पास नहीं बोलेंगे इसके, तो दूर तो बहुत पड़ी, बट ये रेस प्रॉपर रेस है जहाँ पर हम लोगों को लाइक समझ रहे हो ना ऐसा, अरे टर्निंग अराउंड यार, तुम यार ऐसा कर रही हो यार, तुम बताओ तुम्हें तमीज नहीं है यार, हर छोटी बात पे तुम मुझे डांटने लग जा रही हो, कैसे चला रहे है भाई, पीछे घुमा ले गाड़ी, ऐसे कम बोलता है बताओ, अरे भैया भैया भाई तुम BMW चला रहे हो क्या, कुछ भी चलो चलते हैं फटा, अरे स्पीकर दब गया गलती से, लेट्स गो गाइस, हम लोगों को ये स्प्रिंट कैसे भी कंप्लीट करनी है, और ये स्प्रिंट करेंगे हम लोग किस पे, देखो मैं मजाक नहीं करूंगा भाई, मेरे को M8 कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गाड़ी, बट ये अभी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसमें हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो 1,00,000 के आसपास क्रेडिट्स डालने पड़ेंगे, इसका इंजन से लेके A to Z सस्पेंशन छोटी छोटी चीज़ें सब अपग्रेड करेंगे तब जाके बात बनेगी, अभी के लिए तो अपनी GTR मेरे हिसाब से मेरी पूरी इन्वेंट्री में सबसे बढ़िया गाड़ी यही है, हम लोग जब सुपरा आएगी तो सुपरा को भी फुल मॉडिफाई करवाएंगे, एकदम मैक्स लेवल के अपग्रेड्स देंगे उस पर, बट अभी के लिए तो अपने पास जो है गाड़ी भाई उससे पूरा इस्तेमाल करो भाई, कैसे बताओ यार, GTR है फिर सुपरा सुपरा है भाई, अपने अपने में है गाड़ियाँ, मैं कैसे बताऊँ, देखो आगे भी एक और GTR ही चल रही है भाई, फरारी GTR है, इधर आओ तुम्हें बताओ, अरे तुम लोगों को तमीज अमीज नहीं है क्या, कैसे कैसे चला रहे हैं, देखो ये गाड़ी, मैं भी ऐसे चला भाई, हम लोग 5th नंबर पे हो गए गाइस, यार हम लोगों को सुपरा लेनी है इस रेस के बाद, मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा ढंग से रहना पड़ेगा भाई, ढंग से चलना पड़ेगा भाई, भाई अगर मेरे गांव में रहना है तो ढंग से रहना सीख, समझा दोस्त, चलो 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 चल, ना 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 आउट ऑफ वे नहीं, कुछ भी हो जाए भाई, यार GTR क्या खींचती है भाई, नॉट गोना लाई भाई, ये गाड़ी क्या खींचती है भाई, देखो अभी इतना डिस्टेंस है ना, देखो एक बार पंजा दबा दिया ना पूरा भाई, ये गाड़ी क्या खींचती है भाई, मजाक से हट के भाई, थोड़ा ध्यान से ढंग से चलाओ यार, मुझे थोड़ी हल्की फुल्की ड्रिफ्टिंग आ जाए ना फिर आए मजा भाई, ऐसे कर्व्स में भी ना स्लो करने की जगह भाई तुम्हारा भाई ड्रिफ्ट मारते हुए चलेगा, तुम समझ रहे हो, यार ये पीछे वाले पकड़ लिए, मेरे को लग रहा है आवाज आ रही है मेरे जस्ट पीछे, कोई फरारी है, वो मजाक भी नहीं करो सच्ची भाई, और ये बंदे क्या भगा रहे गाड़ियां भाई, मुझे आज बहुत टफ लग रहा है भाई, मुझे टफ लग रहा है भाई कि हम लोग जीत पाएंगे, मुझे बहुत टफ लग रहा है, मजाक भी नहीं करो सच्ची में, मेरे को टफ लग रहा है भाई यार, प्लीज गाइस प्लीज यार भाई, लेकिन वही है फिर, ये ऐसा थोड़ा होगा कि ये जीतने देंगे मेरे को, अच्छा भैया आपको आपकी ड्रीम कार लेनी थी, कोई बात नहीं ये वाली आप जीत जाओ, मैं अगली वाली जीत जाऊंगा ठीक है, ऐसे तो करने नहीं देंगे, ये देते इसको भाई, ब्रेक्स का बहुत ढंग से इस्तेमाल करना है भाई, थोड़ा भी इधर उधर होगा ना, छी यार गाइस अब ज्यादा रोकने की बारी नहीं है भाई, अब होगा कोराम भाई, अब कोराम होगा भाई, खत्म होने वाली रेस, के GTR लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो GTR भाई, ओ माय गॉड भाई मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई, भाई इतना खतरनाक एड्रेनलिन रस आया है मेरे दिमाग में भाई, मैं बेहोश हो जाता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे भाई ने 5th-6th पोजीशन से जो गाड़ी खींची एंड में भाई, तुम भाई कमेंट में बताओ तुम मानते हो नहीं मानते हो GTR को भाई, भाई GTR गाड़ी है कि नहीं है भाई, इसने एंड में तुम बताओ भाई चौथा गियर लगाया जैसी क्या ड्रैग खींची इसने भाई रोलिंग में, बताओ नहीं बताओ भाई तुम लोग, ओ माय गॉड भाई लेट्स गो 56,000 भाई, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते सबसे पास के हमारे उसमें चलते हैं होराइजन इवेंट में चलते हैं भाई, क्या रेस थी भाई, भाई दिल से बताना तुमने इतनी कूल रेस देखी भाई, मतलब इससे भी कूल रेसेस होती है बट एटलीस्ट मतलब समझ रहे हो ना यार, कैसे बताऊं यार, ऐसे वाली रेस नहीं देखी तुमने ठीक है, नहीं देखी तुमने, ये देखो भाई यार, यार कसम से यार ये गाड़ी ये मशीन से ना यार प्यार हो गया, क्या बताओ यार, एक ना एक बार लाइफ में यार एटलीस्ट चलाएंगे तो सही भाई, कोई बात नहीं ओन नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगी है लाइक
2.5 करोड़ मेरे जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली वाला तो बंदा सोच भी नहीं सकता है, बट एक बार चला के जरूर देखनी है, ये सपना है भाई, मैं चला के जरूर देखूंगा इसको, तुम देखते जाओ बस। बट अभी के लिए चलो फटाफट से गाइस चलते हैं और खरीदते हैं हम सबकी प्यारी सुपरू। चलो टी भाई टोयोटा, टोयोटा टोयोटा कहाँ है गाइस? देखो तुम्हारे भाई कैसे जाता, देखो ये देखो, मान लो कि हम लोग एक शोरूम के अंदर, या हेलो टोयोटा, या हाँ फॉर्चुनर लेजेंडर, सुपरा दिखाओ, सुपरा सुपरा दिखाओ फटाफट, कहाँ है सुपरा, सुपरा कहाँ है सुपरा? ओ माय गॉड 2020 मॉडल कितने की है? 55,000 की ले लेंगे। चलो गाइस देखते हैं हम लोग कौन सा कलर करवाएंगे। अभी के लिए देखो मैं बता रहा हूँ, मैं सब तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ, अगली वीडियो पर हम लोग पूरी सुपरा को प्रॉपर मॉडिफाई करवाएंगे भाई, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा ऑफलाइन ग्राइंड करके ढेर सारे पैसे जमा करने का, और हम लोग सुपरा को पूरा मॉडिफाई करवाएंगे प्रॉपर, एकदम कलर से लेके सब कुछ ए टू जेड पूरा मॉडिफाई करवाएंगे। अभी के लिए मैं सुपरा को करवा रहा हूँ, कौन सा कलर करवाऊँ कौन सा कलर करवाऊँ, अभी के लिए मैं एकदम नॉर्मल रख रहा हूँ, ठीक है? सुपरा को एक काम करते हैं, एक बेसिक कलर सा ले लेते हैं, कुछ प्यारा सा, आई थिंक रेड भी अच्छा लग रही थी, रेड सुपरा भी अच्छी लग रही थी, बट एक काम करते हैं एक बेसिक कलर रखते हैं बिल्कुल एकदम, जो कि होगा एकदम नॉर्मल कलर, जो कि है ये पर्पल। मजाक करो, बहुत गंदा लग रहा है। नॉर्मल कलर रखते हैं ब्लैक कलर, ठीक है अभी के लिए, और बाकी क्योंकि सबको पता है भाई काले कलर की तो गाड़ी होती है भाई यार, ऐसे छोड़ ना। चलो ठीक है, तो तुम लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में इसको कैसे अपग्रेड करें, क्या करें क्या नहीं करें, सब चीज़ें बताओ मेरे को, मजाक नहीं कर रहा। अगले एपिसोड में मैं तुम लोगों की बातें सुनूंगा और प्रॉपर भाई, क्योंकि इस एपिसोड ये बेसिकली ये वाला एपिसोड भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के लिए, मैं झूठ भी नहीं बोला सच्ची में, क्योंकि मेरे को भाई ड्राइव कराओ यार, तुम क्या करना है ये सब, ये होगा अगले एपिसोड में, ठीक है ना? अभी जरा मेरे को मेरी सुपरा दिखाओ रोड पे यार, खरीद तो ली है गाइस, अब जरा ओए होए 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 ओए होए, ओ ये क्या हुआ, वो मस्टैंग जा रही है, देखो वो देखो अभी 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 टकरा गया था, देखो ये तो है रियर व्हील ड्राइव की बात है भाई, सुपरा भी रियर व्हील ड्राइव है ऐसे, अरे तो उसको वो करो बंद, भाई पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम सब चेंज करवाऊंगा इसमें मैं। गाइस फाइनली हम लोग ने ले लिया हमारी प्यारी सुपरा, लेट्स गो भाई। कहा है भाई मैं गधा हूँ सच्ची बताऊँ तो, मैंने इसको जो निकाल दिया था ना वो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपने पास सुपरा दोबारा से आ चुकी है। क्या पटाखे बजाती है गाड़ी, ठीक है तो हम लोग इसको दोबारा से भाई पूरा का पूरा मॉडिफाई करवाएंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ तुम लोग मेरे को बताना, इसका कलर क्या रखे क्या थीम रखे, भाई मैंने तुम लोगों को सारे थीम्स दिखाए थे, और बाकी हम लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं अगर तुम लोगों को चाहिए होगा, जैसे हुड पे हम लोग कार्बन फाइबर चढ़ा सकते हैं और पूरी गाड़ी को ऐसा कुछ कर सकते हैं रेड ब्लैक जो भी रखना होगा वैसे करके, तो तुम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना। फाइनली अपने पास आ चुकी है भाई टोयोटा सुपरा, और बताना कॉमेंट सेक्शन में किस किस की फेवरेट है भाई सुपरा, ठीक है ना? चलो amigo. टायर घिसो यार थोड़े, सुपरा ली है भाई टायर तो घिसो। टायर घिसो भाई, लोग मत घिस दे टायर घिसो। थोड़ी भगा के देखते हो सुपरा को, क्या बोलते हो भाई? देखो इसमें बहुत काम लगेगा, देख रहे हो ये कायदे से बहुत स्लो है अभी मेरे हिसाब से भाई, यहाँ पर अगर हमारे पास अभी वो होती क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं अभी अपनी GTR होती 300 पार करती है, तो इसलिए इसको हमें बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और ये प्लस थोड़ी उससे नई भी है ना, तो इसमें लाइक जो थोड़ी लग्जरी चीज़ है वो ज़्यादा, देखो 8वां गियर लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग 8 गियर वो है इसमें, क्या कहते हैं उसे मैं भूल गया, गियर बॉक्स इसका मतलब 8 गियर्स का है जो भी सीन है वो है, तो इसका हम लोगों को वो भी सेट करना पड़ेगा, बट यस भाग तो रही है गाड़ी देखो, बट वही है फिर कि 8वें गियर के बाद भाग रही है, और अभी उतर गई थी भाई रोड से, उतार दी थी भाई सुपरा भाई ने रोड से, हल्के मिले थे तुम भाई को।
भाई ये गाड़ी ऐसी है ना, इसमें ड्रिफ्ट नहीं भी मारना चाहो तो ड्रिफ्ट पड़ती है भाई। रेयर व्हील ड्राइव की ये चीज़ तो होती है भाई। मस्टैंग ही देख लो भाई, मस्टैंग भी कितनी ज़्यादा रपटती है रोड पे भाई, क्योंकि वो भी रेयर व्हील ड्राइव है। फिर इतनी पावर होती है कि व्हील खुद ही, समझ लो जो फ्रिक्शन होता है, ट्रैक्शन होता है, वो खुद ही खोते हैं। तभी तो नई वाली गाड़ियों में ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। और फिर अगर किसी को रेस के लिए चाहिए होती है, समझ लो ऐसे प्रॉपर ऐसे रेसिंग करनी है या फिर कॉर्नर्स काटने हैं, तो उसके लिए फिर ऑल व्हील ड्राइव ही बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से। अब पता नहीं भाई, मेरे को भी ज़्यादा ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, तो वही चीज़ है भाई। भाग तो रही है लेकिन जो ये बोले सुपरा, थोड़ा इसका करना पड़ेगा यार। देख रहे हो कितना 6,500 RPM पे ये फिर गियर मांग दे रही है नया, तो वो थोड़ा बहुत इसका देखना पड़ेगा ये चीज़ नहीं। और देखो मैं दिखा दूँ तो ये कायदे से अभी के लिए बहुत स्लो है यार, झूठ नहीं बोलूँगा। अभी हमारी GTR का चटका लग गया ना मुँह पे भाई, तो ये बहुत स्लो लग रही है। देखो हम लोगों ने इतनी दूर से खींचते हुए लेके आ रहे हैं और अपनी गाड़ी ज़्यादा नहीं कर पाई, मतलब समझ रहे हो स्पीड ना। वो देखो उसको भाई, वो क्या भगा रहा है देखो। भाई यार बात यार सुपरा की भाई ये, और वो देख रहे हो नंबर प्लेट 007 जेम्स बॉन्ड सुपरा भाई। एक काम करते रुको जरा, मैं ना सेम चीज में नहीं बाय नहीं करनी है भाई, रुक जाओ चेंज कार। मैं अपनी GTR एक बार वो करके देखता हूँ, ट्राई करते हैं इसका रिकॉर्ड तोड़ने का, ठीक है। GTR में दिखाता हूँ तुम्हें, GTR जैसे हम लोगों ने पूरी अपग्रेड कर दी। अगर तुम लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना। GTR हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट ऐसा बोलेंगे कि S-tier पे, S-tier तो है अपनी GTR ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट S2-tier पे लेके आए। देखो कितनी जल्दी इसमें देख लो 250-300 पकड़ लिया, ये देखो 300 किलोमीटर होने वाले हैं। तो ये चीज़ है कि अपनी ना GTR बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। फिर इसके सामने जब सुपरा चला रहे वो भी बेस एकदम समय फैक्ट्री चला रहे, तो फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सुपरा ढीली है, बट एक्चुअल में सुपरा भी बहुत तगड़ी गाड़ी है, लेकिन उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, पूरी ट्यून करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो वो होगा अगले एपिसोड में, बट अभी के लिए ट्राई करते हैं एक बार GTR को ना भगाते हुए लेके आते हैं। लेट्स सी अगर हम लोग 350 क्लॉक कर पाएंगे उस पर, तो ठीक है चलो आ जाओ, हो जाए भाई। पर्सनल बेस्ट, अरे लेट्स गो गाइस, पर्सनल बेस्ट भाई, टॉप 100 इन द लीडर बोर्ड्स भाई, ऐसी बना देंगे भाई सुपरा को, समझ रहे हो। और भाई ये एग्जॉस्ट सुनो तुम एक बार यार GTR का, देखो जरा जनता को पास से सुनाना पड़ेगा भाई। Nice, nice. हाँ बढ़िया लग रही है ना, देखो उंगली कर रही है मेरी गाड़ी, मारूंगा ना गाड़ी की तरफ को उंगली लगा रही है। भाई अंदर से सुनो भाई, ये गाड़ी तो दिल है भाई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ना अभी देखो भाई पूरा मेरा जितना टाइम है ना वो सब डिवोट होने वाला है इस गाड़ी को, मैं इतना नेक्स्ट लेवल बनाने वाला हूँ, तुम लोग बस देखते जाओ। रुको जरा अभी के लिए इन लोगों को ये वाली गाड़ी का भी सुना देते हैं एग्जॉस्ट। गाइस ये सुनो, ध्यान से सुनना ठीक है। इसमें काफी काम लगेगा अभी सुपरा में भाई, सुपरा में भी बहुत काम लगेगा, बट ये भी मस्त बना देंगे हम लोग, देखते जाओ बस।
तो गाइस यार फाइनली हम लोगों ने अपनी टोयोटा सुप्रा ले ही ली भाई, और अभी तो देखो यार इसको मॉडिफाई कराना एकदम नेक्स्ट लेवल रेस या फिर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट तो अपने पास है, इसको हम लोग एकदम नेक्स्ट लेवल भाई रेस के लिए बनाएंगे। देखो तुम लोग भाई GTR को टक्कर देने वाली गाड़ी बनाएंगे, इसको तुम देखते जाओ बस। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, और बाकी मेरे को कलर थीम बताना हम लोग अपनी सुप्रा को कैसे कलर करें, क्योंकि कायदे से अपनी है समझ रहे हो ना। बाकी मेरे को बताना कि तुम लोग भाई ज़्यादा तुम लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद है भाई। जैसे मेरे को तो भाई सुपरा ही पसंद है, मेरे को GTR तो मेरी ड्रीम कार है ही। बाकी फिर यार मेरे को लाइक BMW की M3 M4 M5 ये भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगती है। तो तुम लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोगों की फेवरेट कार कौन सी है। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ठीक है, भूलना मत। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते अगली बार तक, बाय।